वो लोकतांत्रिक में हम लोग सिर्फ 5 साल पे एक बार एक वोट देना में से हम लोग सेटिस्फाई होता है। रूलिंग पार्टी में जो रखता है जो भी है वो लोग क्या समझता है वो उनको खिलाफ है। ये 75 साल से क्या वो आज़ादी जो मिला वो अभी तक हम एंजॉय कर रहे हैं वो नहीं है वो बात है। कुछ लोग यहाँ आके बैठा हुआ आप सुनने के लिए आए हैं, लेकिन कुछ लोग जो लोग उन्होंने कुछ गलती नहीं किया है फिर भी वो जेल में। हमारी लोकतंत्र के बारे में हम बोल रहा हूँ, ये दुनिया में सबसे बढ़िया लोकतंत्र हमारा हिंदुस्तान का लोकतंत्र है। हमारा संविधान वो भी वैसा ही बोलता हूँ वो दुनिया में बहुत बढ़िया है। वो संविधान ने हमको बहुत कुछ अधिकार दिया हुआ है। वो जो अधिकार इन्होंने दिया गया इनमें से पूरा अधिकार हम कुछ अमल कर पाया नहीं वो देखना चाहिए। वो लोकतांत्रिक में हम लोग सिर्फ 5 साल पे एक बार एक वोट देना में से वो हम लोग सेटिस्फाई हो पाए थे, वही हम लोग सोचता हूँ हमारा लोकतांत्रिक हमको जो ये अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान ने आपके लिए बहुत सारा अधिकार दिया है, आपका बोलना के लिए अधिकार है, आपको रखना के लिए अधिकार है, आप कमाना के लिए अधिकार है, आप लोग असेंबल होना के लिए अधिकार है, आप लोग एसोसिएट करना के लिए अधिकार है, बहुत सारा है। राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, असेंबली, बहुत कुछ है। लेकिन आजकल जो ऐसा करता है वो लोग को रूलिंग पार्टी में जो रखता है जो भी है वो लोग क्या समझता है वो उनको खिलाफ है। जो लोग ये हमारा मानव अधिकार के बारे में बात करेंगे, जो लोग कुछ लोगों को परेशान है उसके बारे में बात करेंगे, आप देख लीजिए अभी तो महंगाई बढ़ते जा रहा है, आपको बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, बहुत सारा मुद्दे हमारे सामने खड़ा हो रहा है, लेकिन इसके बारे में कुछ लोग आवाज़ उठाएंगे तो उनको जेल में डालता है लोग। तो इसलिए आज हमने एक टॉपिक यहाँ पर रखा हुआ है, एमिनेंट स्पीकर्स को बुलाया गया इधर आप लोगों के सामने बात रखना के लिए। इसके ऊपर हमारे सामने ये प्रोफेसर अपूर्व आनंद साहब है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है, वो दूसरा इंडियन एक्सप्रेस और द वायर में वो हमेशा लिखता है, वो कॉलमनिस्ट है। एक और एक चीज़ है, वो सिर्फ वो उनका एकेडमिक काम नहीं करता है, वो सिर्फ कॉलेज में प्रोफेसर का काम नहीं करता है, लेकिन वो सोसाइटी के ऊपर उनके बहुत सारा कंसर्न है, वो उसमें बहुत सारा बातचीत रोज जो भी राजनीतिक में वो हुकूमत का गलत है वो गलत पॉलिसी से उसके ऊपर ये कमेंट करता है, वो पॉलिटिकल कमेंटेटर है। वो बहुत सारा किताब लिखा हुआ है उन्होंने, उनका सुंदर का सपना एक बुक किताब है, और एजुकेशन एट द क्रॉस रोड्स एक बुक लिखा था, और आइडिया ऑफ ये यूनिवर्सिटी वो सब इन्होंने बहुत सारा बुक्स और आर्टिकल्स भी लिखा गया। वो इनको और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया को आज नहीं है, वो शुरू से रिश्ता है, कभी भी हमारा प्रोग्राम होता है उसमें हम लोग उनको बुलाता रखता हूँ, वो हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट करके हमको पर्सनली भी आता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे उसमें से भी वो उन्होंने शामिल होता है। वो उनको मैं आप सबको तरफ से मेरी तरफ से वेलफेयर पार्टी आप तरफ से मैं उनको स्वागत करता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।